दोस्तों मेरा नाम है अली और आप देख रहे हो मेरा YouTube चैनल अली बाइक केयर। दोस्तों आप अक्सर नई नई बाइक खरीद लेते हो या फिर स्कूटी खरीद लेते हो या फिर कार भी खरीद लेते हो, लेकिन आपको उसका जो टॉप स्पीड कितनी है, मैक्सिमम स्पीड कितनी रख सकते हो, कितने किलोमीटर प्रति हावर के हिसाब से आप चला सकते हो, ये कोई भी नहीं बतलाता। एक्चुअली में सीसी के ऊपर डिपेंड तो करता है, लेकिन साथ ही साथ आपके जो बाइक में या फिर कार में या फिर स्कूटी में जो टायर लगे होते हैं, जो आपके टायर लगे होते हैं उसके ऊपर भी जो है मैक्सिमम लोडिंग या भी मैक्सिमम किलोमीटर कितनी चलानी है, कितनी नहीं चलानी है, वो भी लिखा हुआ होता है। और आप ये किस तरीके से पता लगा सकते हो, वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में दिखलाने वाला हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले अपने भाई को सपोर्ट करो और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा आपके बाइक में टायर में साइज होते हैं, सारे के सारे टायर जो होते हैं, हर एक बाइक का स्कूटी का जो टायर होता है उसके साइज होता है। और लास्ट में आप देखो ये टायर के ऊपर में आपके, जैसे कि ये मान लो टायर है, जैसे ये आपका टायर हो गया और इसके ऊपर में आप देखोगे साइज लिखा होता है 90 90 17। और अक्सर दोस्तों हर एक बाइक का हर एक स्कूटी का या फिर कार का जो है अलग अलग साइज होते हैं। और इस साइज के ऊपर में लास्ट में आप देखोगे ये जो साइज लिखा हुआ होते हैं, इसके बाद में आप देखोगे लास्ट में एक ये होता है अल्फाबेट नंबर। दोस्तों ये अल्फाबेट नंबर किस काम आता है, आप इससे जो है पता लगा सकते हो कि एक्चुअली में जो टॉप स्पीड रखनी है बाइक की, जो टॉप स्पीड होती है कि मैक्सिमम आप कितनी लोडिंग तक या फिर कितने किलोमीटर प्रति आवर्स के हिसाब से चला सकते हो, तो मैं आपको ये चीज बतलाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो है हम शुरू करते हैं। देखिए कि ये अपाची बाइक है और इसमें जो साइज है आप देख सकते हो, इसमें जो साइज है टायर का साइज है 90 90 17 और लास्ट में इसका अल्फाबेट देख सकते हो लिखा हुआ पी। अब दोस्तों पी वगैरह का मतलब क्या, देखो किसी में पी होता है, किसी में एल होता है, किसी में आर होता है, क्यू भी होता है, एस भी होता है, टी भी होता है, वाई भी होता है। दोस्तों इस वीडियो में आपको बतलाने वाला हूं, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्प्लेंडर बाइक से। स्प्लेंडर जो है सबका चहिता बाइक है और सबसे ज्यादा मार्केट में भी है। तो दोस्तों स्प्लेंडर बाइक में जो टायर का साइज जो होता है, आपने अक्सर देखा होगा टायर में साइज, जो रियल टायर का साइज होते हैं वो 80 118 या फिर 318 नंबर के होते हैं। और लास्ट में लिखा हुआ इसके ऊपर में देखो ये अल्फाबेट में लिखा हुआ पी नंबर के साइज। और आगे वाले टायर में भी देखोगे 275 18 या फिर 80 118 नंबर का टायर होता है, इसके ऊपर में भी देख सकते हो 275 18 नंबर का साइज है और इसके ऊपर में लिखा हुआ है ये लास्ट में अल्फाबेट जो है पी। दोस्तों पी का अल्फाबेट जो होता है वो होता है आपका जो बाइक की जो मैक्सिमम स्पीड जो लिमिट सह सकती है टायर, वो होती है 150 किलोमीटर प्रति हावर के हिसाब से। जी हाँ दोस्तों ये जो टायर है ये 150 किलोमीटर प्रति हावर के हिसाब से ये चीज आराम से चल सकती है और काफी कंफर्टेबल भी हो सकता है। अगर इससे आप ज्यादा, अगर इस टायर में आप किसी बाइक में लगा के अगर चलाते हो इससे ज्यादा, तो वो थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। दोस्तों इसी तरीके से और बाइकों का भी देखते हैं। दोस्तों ये अपाची बाइक है इसी तरीके से, तो इसमें भी जो नंबर है वो भी लिखा हुआ है, साथ में पी लिखा हुआ लास्ट में, आप अल्फाबेट दे सकते हो, यानी कि ये भी जो है 150 किलोमीटर प्रति हावर्स के हिसाब से जो है ये आराम से चल सकती है टायर। और साथ में आप ये भी देखोगे कि ये जो नंबर लिखे होते हैं उसके नीचे में आप देख सकते हो कि मैक्सिमम लोड जो होती है, जैसे कि हम बाइक में बाइक ट्रिपलिंग भी करते हैं, चार चार बंदे बैठ जाते हैं, तो उस हिसाब से हम मैक्सिमम लोड जो है 185 किलोग्राम रख सकते हैं। अगर 185 किलोग्राम से अगर हम ज्यादा रखते हैं तो ये जो है टायर जो है फटने की या फिर ब्लास्ट करने की कैपेसिटी में आ जाती है और काफी ज्यादा रिस्क हो जाता है। तो इस हिसाब से आप अपने टायर के जो नीचे का वो भी देख सकते हो कितने किलोग्राम तक आप वेट करके चल सकते हो और कितनी स्पीड तक चल सकते हो। तो और अदर बाइक का भी देख लेते हैं हम। इसी तरीके से दोस्तों हम एक्टिवा स्कूटी की बात करते हैं, तो एक्टिवा में जो साइज होता है टायर का, वो साइज होता है आपके टायर का जो है 90 110, आप देख सकते हो 90 110 और लास्ट में इसके लिखा हुआ है जे, ये अल्फाबेट जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है जे। और दोस्तों जे का जो टॉप स्पीड जो होता है इसकी होती है 100 किलोमीटर प्रति हावर के हिसाब से। जे साइज जितने भी टायर, अगर लास्ट में आपके अल्फाबेट जो जे लिखा हुआ है उसको लास्ट जो स्पीड, टॉप स्पीड जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो होती है 100 किलोमीटर प्रति हावर के हिसाब से। इसी तरीके से दोस्तों हम कार की बात करें तो कार में बहुत सारे साइज होते हैं और नंबर भी होते हैं। तो इसी तरीके से ये Hyundai की ग्रैंड i10 और इसके जो टायर का साइज है देखते हैं हम क्या है, टायर का जो साइज है इसमें है 165 70 14। दोस्तों 165 70 14 की जो स्पीड है इसमें देखो लिखा हुआ लास्ट में टी नंबर का। दोस्तों ये टी नंबर जो है ये चल सकती है हमारी, जो लास्ट टॉप स्पीड जो होती है इसकी वो होती है 190 किलोमीटर प्रति हावर के हिसाब से आप चला सकते हो। अगर इससे ज्यादा आप चलाते हो तो थोड़ा सा रिस्क हो सकता है,
तो इसी तरीके से आपके पास में भी कोई कार है तो आप वो लास्ट में नंबर देख सकते हैं, जिस तरीके से इसमें जो लिखा हुआ लास्ट में टी नंबर लिखा हुआ है, इसी तरीके से आप देख सकते हो कि बाकी में आपके कार जो भी हो उसमें क्या नंबर लिखा हुआ है, उस हिसाब से आप स्पीड डिसाइड कर सकते हो, हमें लास्ट मैक्सिमम स्पीड जो है कितनी रखनी है कितनी नहीं रखनी है। तो ये है एंटोर्क 125 सीसी की, और इसमें जो आगे पीछे का टायर जो होता है वो दोनों के दोनों टायर सेम होते हैं, सेम साइज नंबर होता है। इसमें जो टायर का साइज होता है वो होता है 100, 80, 12, और इसमें आप लास्ट में देखोगे लिखा हुआ है ये L नंबर साइज, देख सकते हो आप L लिखा हुआ है, यानी कि इसकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है ना वो होती है आपकी 120 किलोमीटर प्रति हावर के हिसाब से आप चला सकते हो। अगर आप 120 से स्पीड से अगर ज्यादा ये स्कूटी चलाते हो तो थोड़ा सा आपके लिए रिस्क हो सकता है। तो इसको जो है 120 यानी जो L लिखा हुआ है, जो साइज जो L है लास्ट में लिखा हुआ, लास्ट स्पीड इसकी जो होती है 120 किलोमीटर प्रति हावर के हिसाब से होती है। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत सारे बाइक और स्कूटियों के टायर के जो साइज होते हैं मैंने, और जो अल्फाबेट का जो हिसाब किताब होता है यानी कितनी स्पीड टॉप स्पीड होती है मैक्सिमम स्पीड होती है वो चीज़ मैंने आपको दिखा दिया। अगर आपके बाइक में कोई चीज़ रह गई हो जैसे कि कोई और अल्फाबेट हो तो ये रहा चार्ट, आप इस चार्ट से देख सकते हो कि आपके बाइक में जो लास्ट का अल्फाबेट जो है उसके हिसाब से आप देख के इस चार्ट से आप पता लगा सकते हो कि आपकी बाइक या स्कूटी या फिर कार की भी कितनी टॉप स्पीड होनी चाहिए, फिर मैक्सिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए। देखो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने भाई को फॉलो जरूर करना।